अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस टू में रहते हुए एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि आने वाली लेक्चर्स में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, रीमन इंटीग्रल हमने पढ़ लिया, रीमन स्टेजेस इंटीग्रल पढ़ लिया, छोटे मोटे इसके थ्योरम देख लिए। अब बड़े बड़े थ्योरम्स देखने से पहले हमें रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन यानी कि पार्टीशन कोई होगी पहले, उसकी रिफाइनमेंट। ठीक है, अ पार्टीशन पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ पी इज कंटेंड इन पी स्टार, दैट इज एवरी पॉइंट ऑफ पी इज अ पॉइंट ऑफ पी डैश। यानी कि अगर हमने एक पी पार्टीशन ली है और अगर हमारे पास एक पी स्टार पार्टीशन है, अगर ये सारी पार्टीशन इज अ सबसेट ऑफ दिस है, यानी कि ये इसमें कंटेन करती है और ये उसका सुपरसेट है। ठीक है, एक ही चीज़ को मुख्तलिफ एस्पेक्ट में देख सकते हैं, यानी कि ये इसका सबसेट है या ये उसमें कंटेन करता है या ये उसको कंटेन करता है। ठीक है, यानी कि ये उस पूरे को रखता है या ये उसका सुपरसेट है, जिस तरह मर्जी देख लें। ठीक है, यानी कि इस पी का हर एक पॉइंट इस पी स्टार में भी मौजूद हो तो फिर हम कहते हैं कि पी की रिफाइनमेंट कौन है, पी स्टार। ठीक है, अब पार्टीशन पी स्टार रिफाइनमेंट होगी किसकी, पी की, अगर पी जो है वो पी स्टार में हो। यानी कि इसका मतलब क्या है, एवरी पॉइंट ऑफ पी जो है वो इज़ अ पॉइंट ऑफ पी स्टार। कॉमन रिफाइनमेंट की बात करते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट क्या है। ठीक है, कॉमन रिफाइनमेंट का मतलब ये है कि वी आल्सो सेड एफ एम, ये भी कह सकते हैं कि पी स्टार जो है डिफाइंस पी आर पी स्टार डिफाइन, ये क्या लिख दिया गया, कहता है वी आल्सो सेड एट पी स्टार डिफाइंस पी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पी जो है वो पी स्टार डिफाइंस पी, आर पी स्टार इज फाइनर देन पी इफ पी वन एंड पी टू आर टू पार्टीशन देन वी से डैट पी स्टार इज देयर कॉमन रिफाइनमेंट इफ। ये मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूँ, देखें कि अगर हमारे पास पी स्टार क्या है, रिफाइनमेंट है किसकी, पी की। पी स्टार क्या है, रिफाइनमेंट है पी की, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी स्टार डिफाइंस पी। क्लियर हो गया पहली लाइन कि पी स्टार डिफाइंस पी। अब इसका मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं पी के पी का हर एक पॉइंट किस में आता है, पी स्टार में आता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है, देखें कि पी हमने एक ले लिया 1 2 3 4 5 और पी स्टार ले लिया 1 2 3 4 4 5 5 5। ठीक है, यानी कि इसमें इस तरह भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह कह लें, इसको 5 कह लें, इसको 6 कह लें, इसको 7 कह लें। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये सारा कंटेन कर गया इसमें, तो हम कहेंगे कि ये जो पार्टीशन है ये क्या है, ये जो है वो रिफाइनमेंट है इसकी। ठीक है, ये इसकी रिफाइनमेंट है, या जिस तरह भी एग्जांपल लिखे हैं देख ले, आपके सामने ही है। ठीक है, और आप टोपोलॉजी वाले में पढ़ के आए थे या इसके अलावा भी अगर आप पढ़ें, तो अगर इस तरह हो ना तो हम इसको कहते हैं ये फाइनर है देन इसके और ये कोर्सर है देन इसके। ठीक है, यानी कि अगर एक सेट जो है वो सबसेट हो दूसरे का, तो हम कहते हैं कि जो सबसेट है ना वो कोर्सर है और जिसका सबसेट है या जो सुपरसेट है वो फाइनर है देन दूसरी। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये फाइनर देन पी है, तो पी स्टार इज फाइनर देन पी भी लिख सकते हैं। अब कॉमन रिफाइनमेंट की बात आ गई, तो कॉमन रिफाइनमेंट में ये आएगा कि अगर पी वन जो है, अगर पी वन जो है ये भी इस तरह है, पी टू भी इस तरह है, तो इसका मतलब क्या आ गया, पी वन भी ये है, पी टू भी ये है। अगर पी वन यूनियन पी टू लेंगे तो इसका मतलब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी इसका ये होगा। यानी कि अगर पी वन भी सबसेट है पी का, पी स्टार का, पी टू भी सबसेट है पी स्टार का, देन पी वन यूनियन पी टू भी सबसेट होगा पी स्टार का, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट कौन है, ये है। यानी कि इस वाले केस से हम ये वाला बना सकते हैं और इस वाले केस से हम ऊपर वाला बना सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ पी वन अगर सबसेट है, पी टू अगर सबसेट है, तो पी वन यूनियन पी टू भी होगा। और इसी तरह अगर पी वन यूनियन पी टू उसका सबसेट है, तो पी वन भी होगा, पी टू भी उसका सबसेट होगा। ये तो एक थ्योरम है, एक प्रूव है, इसको तो साइड पर करें। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह आ जाए या इस तरह आ जाए, अगर यूनियन में आ जाए या दोनों का लहदा लहदा केस आ जाए, ठीक है, अगर यूनियन में आ जाए या दोनों का लहदा लहदा केस आ जाए, तो हम इसको कहेंगे ये दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है। ठीक हो गया, तो पता चल गया होगा कि यह क्या, यहाँ से ये देखें, ये कॉमन रिफाइनमेंट। ठीक है, यानी कि इफ ये लिखा है, इफ पी वन एंड पी टू आर टू पार्टीशंस देन वी से डैट पी स्टार इज देयर कॉमन रिफाइनमेंट इफ, ये वाली चीज़। तो इसका मतलब क्या है, बल्कि इन दोनों का यूनियन इसके इक्वल हो। ठीक है, इन दोनों का यूनियन इसके इक्वल हो, नहीं ये वाली चीज़ नहीं आएगी, हाँ ये वाला भी केस हो सकता है, लेकिन उन्होंने यूनियन में लिखा हुआ है कि अगर पी वन और पी टू यूनियन मिलके ये चीज़ बना रहे हैं ना, तो फिर कॉमन रिफाइनमेंट कहा जाएगा। इसकी ना मैं एग्जांपल देता हूँ आपको,
ठीक है, ये थोड़ा सा गलत गाइड हो गया आप लोग को, तो जो नोट्स पे लिखा है हम उसके मुताबिक ही चलेंगे, ठीक है, जो नोट्स पे लिखा है हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। इन चीज़ों को इरेज कर दे, मैं इरेज कर देता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, मैं ये चीज़ें आपको दोबारा समझाता हूँ, ये चीज़ें मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक, इनको मैंने रेस कर दिया जी। देखें, पी वन जो है ये भी डिफाइनमेंट है इसके, यानी कि पी स्टार डिफाइनमेंट है पी वन की, और इसी तरह ये वाली चीज़ है। अब अगर पी और पी वन और पी टू इस तरह की है कि इनका अगर मैं यूनियन लूँ तो ये पी स्टार के इक्वल आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि पी इनकी कॉमन डिफाइनमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस नोट्स, यानी कि जो नोट्स इस पे लिखा हुआ है मैं तो उसको ही समझाऊंगा आपको, ठीक है, जैसा भी लिखा हुआ है उसको ही समझाने पे आया हूँ। इसको कहते हैं कॉमन डिफाइंड। लेकिन मैं जो पहले आपको बता रहा था वो ये था कि इसकी भी डिफाइनमेंट है, इसकी भी डिफाइनमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि पी स्टार दोनों की कॉमन डिफाइनमेंट है। लेकिन जैसा नोट्स पे लिखा हुआ है कि ये कॉमन डिफाइनमेंट होगी, तो फिर हम इसको ही मान लेते हैं ये कॉमन डिफाइनमेंट, ठीक है, क्योंकि जब आगे वाले थ्योरम सारे में यही रिजल्ट यूज़ हो रहा होगा तो फिर हमें पक्का पता चल जाएगा कि कॉमन डिफाइनमेंट इसको ही कहते हैं, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। कहता है नोट, रीमन स्टिल्जेस इंटेग्रल कैन बी रिड्यूस्ड बाय रीमन इंटेग्रल व्हेन अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने पढ़ा है ए से बी एफ डी अल्फा ऑफ एक्स, एक्स का ना कोई फंक्शन हो सकता है, अगर इसकी जगह मैं एक्स रख लूँ, ठीक है, मैंने एक फंक्शन एफ ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, यानी कि अल्फा ऑफ एक्स को मैंने एक्स ले लिया, तो ये रीमन स्टिल्जेस इंटेग्रल था, और ये क्या था, रीमन इंटेग्रल, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया, कब, जब अल्फा ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। नेक्स्ट चलते हैं डिडक्शन, डिडक्शन पे चलते हैं, आप खुद भी भर सकते हैं। कहता है इफ़ एफ बिलोंग्स टू दिस देन देयर नंबर लैम्डा एक नंबर बिलोंग करेगा, जो क्या है, बिल्कुल वही चीज़ें हैं, बस उसको ना इन जनरल पे ले लिया गया है। पहले हमने पढ़ा था क्या, ए से लेके बी एफ डी डी एक्स जो है किसके इक्वल होगा, लैम्डा और बी माइनस ए होगा। अब अगर अल्फ़ा पे बात करनी है तो इस तरह आ जाएगा, डी अल्फ़ा ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा और अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, ए से बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ठीक है, और सी जो है ये इंटरवल के दरमियान एक पॉइंट होगा, और बी माइनस ए, और अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा, देख लेंगे आगे पढ़ के, एफ ऑफ सी ही आ जाएगा ये, कि यहाँ पे अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए आ जाएगा, इस तरह का एक रिजल्ट होगा शायद, क्योंकि मैंने पीछे वाले थ्योरम्स पढ़े हुए हैं, रीमन वाले, तो रीमन को ही जनरल करके लिख देना। अब यहाँ पर उन्होंने एक्साई यूज़ कर लिया, ठीक है, यहाँ पर रीमन वाले में सी यूज़ किया था, यहाँ पर उन्होंने एक्साई यूज़ कर लिया, तो ये एक्साई इस तरह आएगा, ठीक है, एक्साई इस तरह। अब देखें नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ये सारी वो अगर के से छोटा है तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे बी माइनस ए था, यहाँ पे अब अल्फ़ा वाला है तो अल्फ़ा ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है, तो ये आप इनको देख लीजिएगा, रीमन में हमने करवाई। बाकी अब ये थ्योरम आ गया है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देखें, वीडियो देख लेते हैं कितनी बनी है, अभी तो 8 मिनट की है, वजीद आगे बढ़ते हैं। कहता है थ्योरम, अगर पी स्टार जो है ई डिफाइनमेंट ऑफ पी, पी की डिफाइनमेंट है, यानी कि पी इज़ ए सबसेट ऑफ पी स्टार, कहता है देन ये हमारे पास लोअर सम जो होगा ना डिफाइनमेंट के रिलेटेड, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा इस पी वाले से, और इसी तरह अपर सम जो होगा डिफाइनमेंट के रिलेटेड वो लेस दैन इक्वल टू होगा पी वाले से। चलें जी देख लेते हैं इसको भी, प्रूफ पे चलते हैं, क्या प्रूफ पे चलते हैं, ये कैपिटल यू इसको प्रूव करने लगे हैं, ठीक है, इस वाली चीज़ को प्रूव करने लगे हैं। कहता है लेट, लेट हमने क्या कर लिया, एक पार्टीशन ले ली, बी अ पार्टीशन ऑफ गिवन इंटरवल एंड, और इनके दरमियान हमने एक नंबर ले लिया एक्साई, ठीक है, इनके दरमियान हमने नंबर ले लिया एक्साई, और आगे देखिए कहता है इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ पी, और ये क्या है, पी की रिफाइनमेंट है, ये क्या है, पी की रिफाइनमेंट है, यानी कि ये देखें, ये एक्स नाट है, एक्स नाट, एक्स वन है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स टू है, और सो ऑन, एक्स एन है, एक्स एन, यानी कि ये सारे नंबर पी वाले ही है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ऐसा नंबर ले लिया जो कि पी में से बिलोंग नहीं करता, और कौन सा नंबर लिया है, एक्साई, तो इसका मतलब है पी सबसेट हो गया इसका, यानी कि पी इज़ सबसेट बन गया, और ये अब इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, यानी कि वो ये प्रॉपर सबसेट बनेगा, इक्वल टू वाला नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नंबर आ गया ना। अब देखें इज़ अब कहता है इफ़ एफ इज़ बाउंडेड ओवर एफ बाउंडेड वाइस इंटरवल पे, कहता है देन डब्ल्यू आई इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ होगी इस इंटरवल की, और ये यानी कि देखे ना कि ये हमने ना एक पार्टीशन ली है,
पार्टीशन में कितने पॉइंट्स हैं, एन प्लस वन पॉइंट्स हैं, यानी कि वन से लेके एन तक एन पॉइंट्स हो गए, और एक एक्स जीरो भी हो रहा है, कितने पॉइंट्स आ गए, एन प्लस वन पॉइंट्स आ गए। अब इन एस एन पॉइंट वन के रिलेटेड हमारे पास एन सब इंटरवल्स बनेंगे, कितने, एन सब इंटरवल, और हर एक सब इंटरवल में कोई ना कोई सुप्रीमम होगी, कोई ना कोई इन्फीमम होगी, और इन्फीमम हमेशा लेस देन आर इक्वल होती है सुप्रीमम के, ठीक है। यानी कि एन प्लस वन पॉइंट्स हैं, उसमें से एन सब इंटरवल बनेंगे, कैसे बनते हैं ये स्टार्टिंग वाले लेक्चर से डिटेल से डिस्कस करते आए हैं, ठीक है, और उन हर एक इंटरवल की सुप्रीमम या इन्फीमम आया करेगी। इसी तरह पी स्टार की अगर हम बात करें तो इसके ये एक्स नॉट से एक्स वन, एक्स वन से एक्स टू, एक्स एक्स आई, इनकी भी यानी कि इनमें कितने पॉइंट्स हैं, इनमें अब एन प्लस टू पॉइंट्स हैं, कैसे, एक्स वन से लेके एक्स तक एन तक कितने हो गए, एन हो गए। ये एक ये वाला पॉइंट आ रहा है जो कि एक इंटरवल को दो हिस्सों में तोड़ेगा, ठीक है, एक दो ये हो गए और एक ये, यानी कि ये एक्स वन नॉट से लेके एक्स एन तक कितने थे, एन पॉइंट प्लस वन, और एक एक हमने दो पॉइंट्स का मिड और ले लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक और पॉइंट आ गया, तो एन प्लस टू पॉइंट्स हो गए। इसके सब इंटरवल कितने बनेंगे, एन प्लस वन बनेंगे, ठीक है। अब इसके और इसके कुछ इंटरवल तो सेम होंगे, लेकिन एक इंटरवल ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसका एक इंटरवल जो एक्स आई से, यानी कि इसका वो इंटरवल जो कि एक्स आई माइनस वन से एक्स आई था, अब वो ये नहीं रहा, वो एक्स आई माइनस वन से एक्स आई और फिर एक्स आई से एक्स आई बन गया, ठीक है। यानी कि दोबारा देखें, अगर पी की बात करें ना, पी की बात करें तो पी में रहते हुए एक इंटरवल था एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, लेकिन पी स्टार में रहते हुए एक्स आई माइनस वन से एक्स आई बन गया, और एक्स आई से हमारे पास एक्स आई तक इंटरवल बन गया, ठीक है। और फ़र्ज किया है हमने कि डब्ल्यू वन इसकी सुप्रीमम है और डब्ल्यू टू इसकी सुप्रीमम है, और ये एम लिखा है, एम वन इसकी सुप्रीमम है इस इंटरवल की, तो हाँ एम वन इस इंटरवल की सुप्रीमम है, डब्ल्यू वन इसकी है और डब्ल्यू टू इसकी है, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। और ज़ाहिर सी बात है, देखें कि ये बड़ा इंटरवल है, यानी कि ये फ़र्ज किया मैं इस तरह ले लेता हूँ, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि मैं सही से ले लूँ कर्व ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, इस तरह के मैंने कर्व ले लिया, ठीक है, इस तरह के मैंने कर्व, तो ये अगर फ़र्ज़ किया यहाँ से लेकर यहाँ तक की इन्फीमम वैल्यू बात करें तो ये इन्फीमम वाली वैल्यू होगी जो कि एम वन आएगी पूरे की, लेकिन अगर इसको मैं दो बराबर हिस्सों में दो हिस्सों में काट दूँ, कोई भी दो हिस्सों में, ठीक है, ये दो हिस्सों में मैंने काट दिया, तो इसकी सुप्रीमम ये आएगी और इसकी सुप्रीमम यह है वो ये आएगी, तो यानी कि ये वाली जो सुप्रीमम होगी, देखे ग्रीन जो है, ग्रीन लेस देन आर इक्वल टू है, लेस देन है, ये पहला ग्रीन मैं लिख लेता हूँ, ये डब्ल्यू वन है, ये डब्ल्यू टू है, तो डब्ल्यू वन जो है लेस देन है किस से, एम वन से, एम आई से, और W2 जो है वो इक्वल टू है M2 से, यानी कि यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है W1 W2 किसको कह रहे हैं, जिस हिसाब से भी हो सकता है ये ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं यहाँ पे आती हो और वो W1 के इक्वल हो जाए, तो इस वजह से लिखा हुआ है कि W हो सकता है W1 उसके इक्वल हो सकता है W2 इक्वल हो, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, तो इस वजह से इक्वल टू का केस दोनों के लगाया, लेकिन याद रखें इक्वल एक होगा, लेस देन एक होगा, ठीक है, लेकिन इक्वल भी हो सकता है और लेस देन तो लाजमी होगा, ठीक है, लेस देन भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया, लेकिन हो सकता है मैं W2 इसको नाम दे दूँ, W1 इसको, अब बल्कि ये भी नहीं नाम देना, मजीद मैं देख इस तरह फंक्शन कर देता हूँ, अब एम आई एम आई एम आई ये है, W1 भी ये आ रहा है, W2 फर्ज किया ये आ रहा है, तो अब W2 लेस देन है इससे और ये इसके इक्वल है, यहाँ पे अगर देखें तो W2 M2 M वाले के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे W1 M के, यानी कि कोई भी केस आ सकता है, एक इक्वल होगा एक लेस देन होगा, ठीक है, एक इक्वल होगा एक लेस देन, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा लेस देन है कौन सा इक्वल, तो हो सकता है W भी लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है और W2 भी लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ की इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी, हम जीत आगे बढ़ते हैं। कहता है ये हमने एक डिफरेंस ले लिया इनका, यू पी एफ अल्फ़ा माइनस यू पी एफ अल्फ़ा, यानी कि इसका ये अपर सम इसका भी ले लिया, इसका भी अपर सम ले लिया, अपर सम ले लिया, तो इसके इक्वल होगा ये W1 और ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, और प्लस, और ये हमने कहाँ पे लिया है, ये इन इंटरवल्स पे लिया है, ठीक है, इन इंटरवल्स पे, ये और ये, ठीक है, इंटरवल्स पे लिया है, तो जब इसका यू डिफाइनमेंट वाले का लेंगे तो इसके दो इंटरवल्स हैं, अपर सम ले रहे हैं, दो इंटरवल्स हैं, तो एक W1 सुप्रीमम वैल्यू और ये लेंथ, और W2 सुप्रीमम वैल्यू और ये लेंथ उस इंटरवल की, और ये माइनस वाला एम आई, ये हमने क्या ले लिया, एम आई इसकी इसकी जो इसका तो एक इंटरवल था ना, और उसकी लेंथ और ये उसकी सुप्रीमम, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो मल्टीप्लाई कर दिया ये वाली चीज़ आगे, अब उन्होंने कहा है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये वाली चीज़ को हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा ऑफ एक्साई लिखा हुआ है ये, ठीक है, अल्फ़ा ऑफ एक्साई, एम आई और अल्फ़ा ऑफ एक्साई को हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये पहला है, ये डब्ल्यू टू वाला है, ये एम वाला है, ये एम वाला है, ठीक है, यानी कि ये ओपन करने की जरूरत नहीं, यहाँ से ही ये बना लिया दोबारा, ठीक है, ये पहला जो है, ये पहला है,
ये दूसरा जो है वो दूसरा है, ये तीसरा जो है ये तीसरा है, और ये हमने अपने से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, ये पहला पहला वैसे ही रहा, दूसरा जो है वो दूसरा भी वैसे ही रहा, ये एम आई वाला भी वैसे ही रहा, वैसे नहीं रहा बल्कि इनको अंदर मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लिया। ये एम आई अल्फा आई, ये एम आई और अल्फा आई, और यहाँ से ये वाला, ठीक है ये वाला, ये आपस में मिलके, लेकिन जब नहीं, जब नेगेटिव साइन कॉमन आया तो ये यहाँ पे ऐड हो जाना था, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्याज अंडे आख्या सी उन्होंने, प्याज अंडे आख्या सी, हाँ उस तरह टमाटर डाल दे, टमाटर नहीं खाता लगे समझ इसकी, यानी कि यहाँ पे ये देखना कि ये जब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अल्फ़ा वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस नहीं, इसको ना हम नीट में नोट देख लेते हैं सोल्व करके साथ, तो इसको यहाँ पे मैं रेज करता हूँ और इसको हम नीट में देखते हैं, ठीक है अच्छे से समझ आएगी ना हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। देखें कि ये पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तो साइड पर हो गया, ठीक है अब आगे वाले को देखते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस एम आई बाहर ही है, माइनस एम आई बाहर ही है, ठीक है अब ये वाली चीज़ आ गई, अब ये क्या है, ये माइनस में है, तो जब ये माइनस एम आई बाहर आ जाएगा तो बाकी का प्लस का बचेगा, प्लस आना था तो यहाँ पे शायद प्लस आना था। और दूसरी बात ये देखें, और इसके आगे माइनस एम आई, तो माइनस एम आई इसके साथ भी आएगा ना, ओपन करेंगे तो माइनस एम आई, और ये माइनस वाला आएगा, माइनस वाला आ गया, ठीक है और जब इससे माइनस कॉमन लिया तो ये भी माइनस का बन जाना था, तो ये भी माइनस का बनना था, बल्कि उन्होंने प्लस वाला उसके साथ में ला लिया, माइनस वाला उसके साथ, फिर ऐसा होगा, देख लेते हैं अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें समझते हैं। ये माइनस एम आई, ये माइनस एम आई आ गया, ये वाली चीज़ ये वाली आ गई, अब देखें और ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे चली गई, ठीक है जी। ये अब ये प्लस वाला नहीं, हम ये वाला मिलाते हैं, हम ये माइनस जब बाहर आया तो माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, माइनस इसके साथ भी, और ये माइनस माइनस वाला, हाँ ठीक हो गया क्लियर, यानी कि इसको इसमें मिलाया हुआ है और इसको यहाँ पे लाया गया, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, अब इसमें डब्ल्यू आई माइनस एम आई कॉमन आ रहा है, कैसे कॉमन आ रहा है देख लेते हैं, यानी कि कॉमन नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको, ये वाली चीज़ अल्फ़ा ऑफ एक्साई माइनस एक्स ऑफ आई माइनस वन, अल्फ़ा ऑफ एक्साई माइनस एम, ये इन दोनों का कॉमन आ गया, और बाकी क्या बचा डब्ल्यू वन माइनस एम आई, और ये दोनों में सेम है तो इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया, और बाकी क्या बचेगा डब्ल्यू टू और माइनस एम आई, ठीक हो गया। और ये वाली चीज़ हमारे पास लिखी गई है कि ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, यानी कि अगर इसकी बात करें हम, तो ये हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू वन जो है ये लेस दैन आर इक्वल टू होगा एम आई से, तो W1 माइनस एम आई जो है लेस देन आर इक्वल टू हो गया जीरो के। इसी तरह इसकी बात करें तो ये W2 माइनस एम आई भी लेस देन आर इक्वल टू जीरो होता, यानी कि W2 माइनस एम, यानी कि ये भी इस तरह होता है, तो ये भी इसका आंसर, ये वाले दो रिजल्ट आ गए। अब ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कैसे पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, अल्फ़ा इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है अल्फ़ा इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अल्फ़ा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये आगे वाले टर्म में से पीछे वाले माइनस करें, हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर, यानी कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, ये लेस दैन आर इक्वल टू जीरो है, ये भी लेस दैन आर इक्वल टू जीरो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर आंसर एट द एंड नेगेटिव ही आएगा, और प्लस ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर आंसर नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव प्लस नेगेटिव आंसर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं नॉन पॉजिटिव, ठीक है ये लेस दैन आर इक्वल टू है ना, ये भी हमारे पास क्या आ गया लेस दैन आर इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये लिख दिया गया लेफ्ट हैंड साइड, हम सोल्व कर रहे थे यू पी स्टार एफ अल्फा माइनस यू पी एफ अल्फा, ये लेस दैन आर इक्वल टू आ गया जीरो, और ये उस तरह अंडा प्याज, ये हमारे पास यू पी स्टार एफ अल्फा जो है ये माइनस यू पी एफ अल्फा जो है लेस दैन आर इक्वल टू जीरो आ गया, और ये हमारे पास उस तरफ जाकर प्लस का हो गया, तो ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है हैंस प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, एल पी स्टार एफ अल्फा माइनस आ, हम तुम आप ही कर सकते हो, ठीक है ये अब आप खुद कर सकते हैं, लेकिन हम स्पीड से गाड़ी बढ़ा लेते हैं आगे। देखें ये पी हमारे पास है, ये हमने एक पार्टीशन ले लिया और इसमें ए का ज़्यादा ले लिया ताकि ये पार्टीशन इसमें कंटेन कर सके, इधर रिफाइनमेंट ऑफ पी, ठीक हो बाउंडेड फंक्शन है ये है, अब इसकी इनफीमम वहाँ पर सुप्रीमम ली थी, अब इनफीमम ले ली, अब इनफीमम एम आई जो है ये लेस देन आर इक्वल टू होगी, वहाँ पर डब्ल्यू वन लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आई था,
यहाँ पे क्या है और डब्ल्यू टू भी इसी तरह था, यहाँ पे ये वाली चीज़ है इक्वल टू, कैसे होगी ये अब आपने खुद ढूंढना है। मजीद थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वो डायग्राम्स बना के, ये है ना इसकी इन्फिमम वैल्यू ये है, ये आ गया स्मॉल एम आई सुप्रीमम। अब डब्ल्यू वन अगर मैं दो दो में तकसीम कर लूँ यहाँ पर इस तरह, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये डब्ल्यू वन हो जाएगा और ये इसकी दूसरे वाले की जो इन्फिमम वैल्यू है ये डब्ल्यू टू होगा। तो देखिए डब्ल्यू वन जो है ये लेस देन आर इक्वल टू हो गया डब्ल्यू टू से, यानी कि ये आपस में इक्वल हो गया और ये इससे लेस हो गया, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ किया है कि नहीं जी मैं इस तरह नहीं ग्राफ लेना चाहता, मैं दूसरी तरह ले लेता हूँ इस तरह, ठीक है, तो ये उसकी एम आई बन जाएगी स्मॉल एम आई। और अगर इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँ इस तरह, तो ये हमारे पास डब्ल्यू टू बन जाएगा और ये डब्ल्यू वन बन जाएगा, और अब डब्ल्यू टू इसके इक्वल आ गया और ये हमारे पास ग्रेटर देन है इससे, तो ये वाली चीज़ यानी कि दोनों केस हो गए पॉसिबल। आगे चलते हैं, आगे ये वाली चीज़ जो हमने प्रूव करनी है इसको हमने लेट कर लिया, ये वाली डिफरेंस फाइंड किया अपने आप से ऐड करेंगे, ये हमने सब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया कॉमन लिए, तो इसके बाद ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन थी डब्ल्यू वन माइनस एम आई ये वाली चीज़, और ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये भी हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, और ये लेस दैन इक्वल टू जीरो, ये भी लेस दैन आर, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ठीक है, सॉरी ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये ऊपर वाले रिजल्ट से यानी कि इन रिजल्ट से, ठीक है, ये भी हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव मल्टीप्लाई नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव आएगा नॉन नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नॉन नेगेटिव आएगा, दोनों को ऐड करेंगे नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव, तो आंसर में नॉन नेगेटिव आएगा, तो ये हमारे पास इस पूरे डिफरेंस वाले का आंसर नॉन नेगेटिव आ गया, तो ये उधर जाकर प्लस का नहीं नजर आ रहा, ये उधर जाकर प्लस वाले का हो गया, तो हैंस हमारा प्रूव्ड हो गया ये वाली चीज़, हैंस प्रूव्ड आवर रिजल्ट। तो अब ये क्या आ गया नेक्स्ट पेज पर प्रूव हो गया, अब ये लिखा हुआ है कि यू पी स्टार एफ अल्फा इसके इक्वल होता है, और ये एन प्लस वन क्यों आया है, क्योंकि हमने कहा है कि इसमें एक पॉइंट ज़्यादा है, और इसको अगर ओपन करें आई की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, और इसी तरह यू पी एफ अल्फा इसमें एन पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, यानी कि इसमें एन इंटरवल्स आएंगे, ये सारा मैंने आपको बताता हूँ कहाँ पर बताया हुआ है, ये मैंने कहाँ पर बताया हुआ है, ये वाला देखें, ठीक है, ये वाला देखें, एन प्लस वन पॉइंट्स हैं और उनमें से n इंटरवल बनेंगे, n इंटरवल बनेंगे तो i1 से n तक जाएगा, और ये n प्लस टू पॉइंट्स हैं तो कितने n प्लस वन इंटरवल्स बनेंगे तो i1 से लेके n प्लस वन तक जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि इंटरवल्स की लेंथ लेनी होती है, इंटरवल लेने होते हैं साथ, तो इस वजह से इंटरवल्स वाला इंडेक्स के तौर पे आते हैं, यानी कि जितने हो, लेकिन पॉइंट उसमें उतने ही होंगे, पॉइंट मैं आपको गिनवा देता हूँ पॉइंट कितने हैं, ठीक है, पॉइंट भी आपको गिनवाता हूँ ना, कंसेप्ट क्लियर हो, पॉइंट देखे कितने हैं, इसमें भी दो, ये दो पॉइंट से मिलकर बनाए, 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 और इसमें x0 x1 आएगा, इसमें x1 x2 आएगा, और सो ऑन, इसमें एक्स एन माइनस वन और एक्स एन आएगा, तो पॉइंट ज़ीरो से लेके इसमें एन प्लस वन तक जाना है, इसने गलती किया यहाँ पे, एक और टर्म आएगी यहाँ पे, एक और टर्म आएगी यहाँ पे, एक और आएगी टर्म यहाँ पे, कौन सी टर्म आएगी, ब्लैक से लिखते हैं क्योंकि यहाँ ब्लैक, प्लस एम एन प्लस वन और डेल एक्स एन प्लस वन आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिशन एन प्लस वन तक जा रही है, ठीक है, तो ये देख, इसे में एक्स जीरो एक्स वन आएगा, इसमें एक्स वन एक्स टू आएगा, इसमें एक्स थ्री एक्स टू और एक्स थ्री आएगा, और सो ऑन, इसमें क्या आएगा, एक्स एन और एक्स एन प्लस वन आएगा, ठीक है, तो यहाँ से पता चला एक्स जीरो से लेके एक्स एन प्लस वन तक जा रहा है, वन से एक्स एन प्लस वन तक गए तो एन प्लस वन पॉइंट्स आ गए, और एक्स जीरो वाला है यानी कि इसमें एन प्लस टू पॉइंट्स हैं, लेकिन इंटरवल कितने हैं, इंटरवल एन प्लस वन है, तो समीशन यानी कि सिग्मा आई वन से लेकर एन प्लस वन तक गया, और जो पॉइंट्स इसमें आते हैं वो भी मैंने आपको गिनवा दिया एन प्लस टू है। यू पी एफ अल्फा में अगर हम देखें, यू पी एफ अल्फा वाले में, तो हाँ अब ठीक है, ये देखें इसमें पॉइंट कौन सा आएगा, अल्फ़ा डेल एक्स वाई में, ये हमारे पास अल्फ़ा 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 एफ ऑफ एक्स ऑफ जीरो आएगा, यहाँ भी एक्स वन एक्स टू मैं वैसे बता रहा था, यानी कि अल्फ़ा एफ एक्स एक्स ऑफ जीरो आना है, अल्फ़ा एक्स ऑफ वन आना है, अल्फ़ा एक्स ऑफ टू आना, यानी कि इस तरह अल्फ़ा ऑफ एक्स वन एक्स जीरो आ गया, अल्फ़ा ऑफ एक्स वन पहले में आ गया, दूसरे बार में अल्फ़ा ऑफ एक्स वन आ गया और अल्फ़ा ऑफ एक्स टू आ गया, ठीक है, और इसी तरह सोन इसमें क्या आएगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स एन माइनस वन आएगा और अल्फ़ा ऑफ एक्स एन आएगा, इसी तरह ये चीज़ें आएंगी। तो अगर आप देखें वन वाले से लेके एन तक एन आ गया, और एक पॉइंट ये वाला हमारे पास कितना आ गया, एन प्लस वन हो गया, ठीक है, तो हमारे पास इसमें अगर देखें तो एन प्लस वन पॉइंट्स थे, एन प्लस वन पॉइंट्स थे, उनमें से एन इंटरवल्स बनेंगे, एन इंटरवल्स आई वन से लेके एन तक गया, और पॉइंट्स कितने आए फंक्शनल वैल्यूज़ के तौर पर, एन प्लस वन आए, ठीक है, ये वाली चीज़ें। और अगर हम इसको करें यानी कि यू पी स्टार एफ अल्फा माइनस यू पी एफ अल्फा, तो जो चीज़ बचेगी हमारे पास वो एट द एंड ये वाली होगी, ठीक है, और इसके पास के साथ डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू क्यों आया, क्योंकि इसको हमने पीछे वाले प्रूफ में इसको सुप्रीमम लेके चले थे, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू ये, हाँ ये दूसरा प्रूफ है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज जो थी यानी कि डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू था, ये लेस देन आर इक्वल टू किससे था, एम आई से था, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू एम आई था, अगर एक इक्वल हो गया तो वो इसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो चीज़ बच जाएगी हमारे पास, ठीक है, बाकी चीज़ बच जाएगी, और सुप्रीमम जो है
ये हमारे पास बच जाएगी, ठीक है, यानी कि इस तरह ये आंसर आएगा ना। आगे चलते हैं, यानी कि एट द एंड ये वाली चीज़ हमारे पास बच जाएगी। कैसे? यानी कि इस एक इंटरवल को हमने पॉइंट रख के दो इंटरवल्स में तोड़ा था इस तरह, ठीक है, और इनके दरमियान ये वाला रिलेशन है, तो इस तरह ये वाली चीज़ एट द एंड बचेगी हमारे पास। अब इसी तरह लिखा है फॉर आई टू पार्टीशन, हमने साबित करना है कि लोअर सम जो होता है ये किसी भी पार्टी दो पार्टीशन में पी वन एंड पी टू। तो देख लेते हैं टाइम ड्यूरेशन, वीडियो कितनी हो गई है, 25 मिनट। थ्योरम एक, आगे थ्योरम नहीं होते, नहीं स्टार्ट हो रहे, एक थ्योरम, दो थ्योरम, तीसरा थ्योरम और ये के वाला जो हमने कहा था, ख़त्म करते हैं आज। ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट का लेक्चर बन जाएगा। स्पीड स्पीड बढ़ा लेते हैं ना थोड़ी सी, सिलेबस भी कवर करना, वीडियोज़ भी बनाते रहना। देखें जी, एल पी वन एफ अल्फ़ा और यू पी टू एफ अल्फ़ा, ये इससे लेस देन होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि यही लगाएं, हम ये भी लगा सकते हैं, पी टू इस पर लगा लें और पी वन उस पर लगा लें। कहने का मतलब यह है कि कोई भी दुनिया जहाँ के पार्टीशन ले लें, उसके रिलेटेड ना अपर सम कोई और आएगा लोअर, यानी कि इंटरवल के अंदर के एक इंटरवल की इन्फिनिट पार्टीशन बन सकती हैं, एक इंटरवल की इन्फिनिट पार्टीशन बन सकती हैं। आप उनमें से कोई दो पार्टीशन उठा लें, कोई दो पार्टीशन उठा लें। अब कोई दो पार्टीशन उठा लें तो उसके रिलेटेड अपर सम भी मुख्तलिफ आ सकते हैं, लोअर सम भी। यानी कि अगर इन्फिनिट पार्टीशन है, क्या होता है इन्फिनिट की, इन्फिनिट पार्टीशन के अपर सम ज़्यादा आएँ, लोअर सम ज़्यादा आएँ। लेकिन अपर सम की कोई भी आप वैल्यू ले लें, लोअर सम की कोई भी वैल्यू ले ले, लोअर सम हमेशा लेस देन इक्वल टू ही आया करेगा अपर सम से। तो यही कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिट पार्टीशन थी लेकिन हम उनमें से एक लिए, इन्फिनिट पार्टीशन थी एक दो पार्टीशन ले ली पी वन और पी टू, जिस मर्जी पार्टीशन के रिलेटेड आप अपर सम ले लें, जिस मर्जी पार्टीशन के रिलेटेड लोअर सम ले लें, चाहे तो एक ही पार्टीशन के रिलेटेड अपर लोअर सम ले लें, चाहे तो पाँच पाँच पार्टीशन के रिलेटेड अपर सम और लोअर सम ले लें, जो जो वैल्यूज आएंगी अपर सम की वैल्यू हमेशा लोअर सम की पार्टीशन से ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी। अपर हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी और लोअर सम वाले हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, ये थ्योरम बताना चाहता है। चलें जी इसको प्रूव करते हैं। अगर कहता है लेट पी स्टार बी अ कॉमन रिफाइनमेंट, कॉमन रिफाइनमेंट है तो ये वाली चीज़, कंसेप्ट क्लियर हो गया कॉमन रिफाइनमेंट वाले का, ठीक है, जो हमने चीज़ कहा था, तो यानी कि इसको यूनियन में लिखा जाएगा। देन वी नाउ डैट हम ये जानते हैं ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाला भी हमने एक प्रूव किया है, ये वाला भी हमने प्रूव किया है, और लोअर सम हमेशा लेस देन आर इक्वल टू इससे होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये चीज़ तो हमने प्रूव करने बैठे हैं, तो हम ये चीज़ पहले देख आए हैं कि एक पार्टीशन के रिलेटेड लोअर सम जो होता है वो लेस देन आर इक्वल टू होता है अपर सम से। अब ये थ्योरम कहता है कि पार्टीशन चेंज भी करेंगे तो लोअर सम लो ही रहेगा और अपर सम अप ही रहेगा, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ तो हम पढ़ के आए हैं, लोअर सम लेस देन आर इक्वल टू अपर सम, ठीक है। लेकिन ये किस सिनेरियो में देखा था कि एक ही पार्टीशन हो, तो ये एक ही पार्टीशन वाले के हवाले से हम जानते हैं ये लिखा हुआ है। अब डिफरेंट पार्टीशन लेके तो हमने प्रूव करना है, ठीक है, यानी कि ये वाला प्रूव करेंगे। ये कैसे जानते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि लोअर सम जो होता है ये लो होता है और अपर सम जो होता है इसकी वैल्यू बड़ी होती है, किसके लिए, एक ही पार्टीशन के लिए, ये चीज़ हम जानते हैं। डिफरेंट पार्टीशंस के लिए हम प्रूव करने लगे हैं, ठीक है, तो हैंस यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया कि ये वाली चीज़ लेस देन आर इक्वल टू है ये वाली चीज़ के, साबित हो गया जी, बस इतना सा सही है। आगे चलते हैं, थ्योरम कहता है कि पी स्टार इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ पी, ये इसकी रिफाइनमेंट है, तो ये चीज़ लेस देन आर इक्वल टू हो गई इस चीज़ के, ठीक है जी, प्रूव करते हैं। देखें एज वी नाउ डैट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ थोड़ी देर पहले प्रूव करके आए हैं, मल्टीप्लाइंग माइनस वन विद इक्वेशन टू, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये माइनस सिक्स के साथ आ गया, इसके साथ भी माइनस आ गया, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू था, ये लेस दैन आर इक्वल टू बन गया। अब इसको पहली वाली को और तीसरी वाली को ऐड कर दें तो ये वाली चीज़ बन गई, या आप ये माइनस से मल्टीप्लाई भी ना करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, डैट ये वाली चीज़ बन गई, अपनी मर्जी जैसे मर्जी कर लें, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ रखते हैं इनइक्वालिटी का, तो ये बेस्ट प्रोसीजर अप्लाई किया गया है कि पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर दें, तो ये इनइक्वालिटी इस तरह ही रहेगी, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई, हैंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम पे, कहता है लेट टी बी आर रियल नंबर, टी हमारे पास कोई भी टी है या लैम्डा है, टी है या लैम्डा है, एफ है, लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, हमारे पास एफ कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए कोमा बी भी डिफाइंड किया गया है, और अल्फा भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना भी लिखते तो हमें पता था, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग से हम रीमन स्टिल्जस वाले में डेफिनेशन बढ़ के आ रहे हैं कि अल्फा इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पर। अब क्या है, अब लिखा है तो जाहिर सी बात कोई रीज़न होगी, क्योंकि ये हम बाद में डिफाइन करवा रहे हैं, इस वजह से एफ हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि किसी भी इंटरवल से लेके ए कोमा बी से लेके कहाँ तक आर तक जा रहा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। नेक्स्ट कहा गया है इस इंटरवल पर डिफाइन है, और अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है,
ऑन दिस इंटरवल, कहता है देन सुप्रीमम जो है इस वाले की लेस देन आर इक्वल टू होगी इनफीमम, इनफीमम ऑफ दिस। और हमें पता है इनफीमम ऑफ यू क्या है, यहाँ पर ना ये वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली चीज़ जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हम डिटेल से डिस्कस करके आए डीमन स्टेजेस वाले में भी और अकेले डीमन वाले में। आप एक इंटरवल लें, आप एक इंटरवल लें, उस इंटरवल पे आप इन्फिनिट पार्टीशंस डिफाइन करवा सकते हैं। हर पार्टीशन के रिलेटेड डिफरेंट सम भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, ठीक है। कुछ केसेस में सेम आएगा, बाकी तो डिफरेंट भी आएगा, ठीक है। अब उन तमाम अपर सम को एक सेट में बंद कर दें तो वो क्या बन जाएगा, अपर 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 सम्स का सेट बन जाएगा। उन तमाम अपर सेट की इन्फिमम वैल्यू उठाएं, इन्फिमम ही क्यों उठाएंगे इस पर भी डिटेल से डिस्कशन हुई है। उन तमाम की इन्फिमम वैल्यू उठाएं तो जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं अपर इंटीग्रल। इसी तरह लोअर सम का सेट लें, यानी कि जिसमें तमाम लोअर सम्स हों उसकी सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि सुप्रीमम वैल्यू उठाएं, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको कहते हैं लोअर इंटीग्रल। और अगर लोअर इंटीग्रल जो है वो अपर इंटीग्रल से लेस देन आर इक्वल टू होती है, ये हमने प्रूव करना है। और अगर लेस देन हो जाए तो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है, और फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये सारी डिटेल से डिस्कशन हुई है, लेकिन यहाँ पे एक प्रूफ देखेंगे कि ये इससे लेस देन आर इक्वल टू होता है, यानी कि सुप्रीमम जो है इसकी लेस देन आर इक्वल टू होती है इनफीमम से। लेट पी वन एंड पी टू बी द टू पार्टीशंस, हमने दो पार्टीशन ले लिया है पी वन और पी टू, ठीक है। और अच्छा दो पार्टीशन क्यों लिया है, कहीं ये तो नहीं कि यहाँ पे P1 और P2 आना था, ओ ये ना हो, क्योंकि ये वाली चीज़ तो हम थ्योरम पहले बहुत से यूज़ करके आए हुए हैं। एट द एंड प्रूफ में देखते हैं हम। अच्छा इसके साथ वन टू नहीं यूज़ किया गया, इसके साथ टू यूज़ हो गया। इसके साथ भी टू यूज़ हो गया, P1 कहाँ पे गई, पी वन का तो जिक्र ही नहीं हुआ। किसी और नोट से हम कंपेयर करके देख लेते हैं, यहाँ पे और नोट्स होंगे। कैम स्कैनर के नाम पे ये हो गया, जितनी जल्दी थ्योरम्स को करना था उतनी देर इसमें ढूंढते हैं। ये आ गया रिफाइनमेंट एंड कॉमन रिफाइनमेंट, और ये भी हो गया, ये देखा नहीं, ये नहीं, ये है शायद। चलिए ये वाली चीज़ यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये वाली चीज़ हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये तो पीडीएफ है, एक मिनट, इसका टूल इस तरह आएगा, ठीक है जी। देखें हमने प्रूव करना है कि लोअर इंटीग्रल जो होती है ये लेस देन आर इक्वल टू होती है अपर इंटीग्रल के, पार्टीशन का कोई जिक्र नहीं है, तो ज़ाहिर सी यानी कि पार्टीशन डिफरेंट भी हो सकती है सेम भी, या इस तरह केस आएगा। अब लेट पी वन एंड पी टू बी टू पार्टीशन, हमने दो पार्टीशन ली हैं इस इंटरवल पर ए कोमा बी पे, और पी स्टार इनकी कॉमन रिफाइनमेंट है। अब कॉमन रिफाइनमेंट है तो क्या होगा कि P1 यूनियन P2 जो है वो इक्वल किसके होगा, P स्टार के इक्वल होगा। अब देखें कि ये हमारे पास लोअर सम जो है ना किसी भी पार्टीशन का ली लेस देन आर इक्वल टू होता है अपर सम किसी भी पार्टीशन का, ये हम ऊपर प्रूव करके आए हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे भी लिखा होगा, ये देखें ये हमने प्रूव किया, ठीक है, ये वाला हमने प्रूव किया, तो ये वाला हमने यहाँ पे लगा दिया। इफ़ वी फिक्स P2, अगर हम P2 को फिक्स कर देते हैं, अगर हम P2 को फिक्स कर देते हैं एंड टेकिंग सुप्रीमम ओवरऑल पार्टीशन ऑफ P1, देन P2 को हमने फिक्स कर दिया यानी कि ये चीज़ वैसे ही फिक्स रहेगी, और इस वाले में से हमने इसकी सुप्रीमम ले ली, सुप्रीमम ले ली हमने, यानी कि P1 तमाम पार्टीशन जो थी ना इसको फिक्स कर दिया और इसकी हमने सुप्रीमम ले ली इसकी, यानी कि इन जनरल इसका आंसर कुछ भी आ सकता था, छोटा लें बड़ा लें जैसा मर्जी लें, लेकिन हमने सबसे बड़ा वाला वो ले लिया। तो जब इन जनरल सभी के लिए ये केस पॉसिबल है तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू के लिए भी तो पॉसिबल होगा ना। मैं कहूँ कि छोटा छोटा है और बड़ा यानी कि ये बिल्कुल इसी हिसाब से है कि जैसे मैं कहूँ कि एक सेट है वन टू थ्री और फोर, और मैं कहूँ इसका हर एक एलिमेंट इससे छोटा है फाइव सिक्स सेवन, इस सेट के एलिमेंट से छोटा है,
इन जनरल बता दिया कि इसका सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट से के एलिमेंट से छोटा है, तो आप इसमें से इसको ऐसे ही रहने दें, इसमें से कोई एक एलिमेंट उठा लें 4, तो ये कहा गया है कि इस चीज़ को हमने फिक्स ही रखा, लेकिन इसमें से जो सा मर्जी एलिमेंट उठा लें, क्योंकि ये इन जनरल के लिए लेस देन इक्वल टू है, तो इसकी सुप्रीमम लेंगे तो उसके लिए भी लेस देन इक्वल टू होगा, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये सुप्रीमम वाली चीज़ क्या होती है, ये सुप्रीमम वाली चीज़ क्या होती है, ये हमारे पास लोअर इंटीग्रल होती है, तो लोअर इंटीग्रल आ गया लेस देन आर इक्वल टू है इससे, ठीक है। और टेकिंग द इनफीमम ओवरऑल पी टू, और इस वाले की अगर हमने इनफीमम ले लिया, अब इसको वैसे ही रहने दिया, इसकी इनफीमम ले ली, क्योंकि अगर ये भी तो इन जनरल चीज़ लिखी हुई है कि इन जनरल लिखा हुआ है कि ये तमाम वैल्यूज़ इसकी ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी, तो अगर इसकी इनफीमम लूँगा तो ये भी तो इसकी ही एक वैल्यू है, तो इनफीमम भी तो जो क्या है ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी इससे, और ये इनफीमम वाला आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, अपर इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो लोअर इंटीग्रल लेस देन आर इक्वल टू आ गया अपर इंटीग्रल, तो ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। कहता है इफ़ पी स्टार इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ पी, पी की रिफाइनमेंट हो, यानी कि पी यानी कि इस तरह हो, कहता है कंटेनिंग क्यू पॉइंट्स, और इसमें क्यू पॉइंट कंटेन करते हो मोर देन पी, पी पॉइंट से ज़्यादा, यानी कि पी वाले से ज़्यादा, यानी कि पी स्टार, ज़ाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, फिर इसमें क्यू पॉइंट्स हैं और इसके पॉइंट से ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ये कंटेन करता है इसमें, लिखा हुआ है एंड एफ ओफ एक्स का मोड लेस देन आर इक्वल टू के है, ठीक है, एफ ओफ एक्स का मोड जो है वो लेस देन के है, देन हमारे पास एल पी एफ अल्फा लेस देन आर इक्वल टू इसके होता है, ये हमने रिजल्ट प्रूव किया है, और ये वाली चीज़ लेस देन आर इक्वल टू होगी किससे, इसके प्लस टू के क्यू, अच्छा ये भी लेस देन होगी, एक मिनट दूसरे नोट से देखते हैं हम, अच्छा ये तो हमारा प्रूव हो गया ना, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको लगे, मैंने दूसरे नोट्स भी आपको दिखा दिए, हाँ ये भी लेस देन आर इक्वल टू होगा, ठीक है, ये भी लेस देन आर इक्वल टू होगा, ये भी लेस देन आर इक्वल टू होगा इससे। और इसी तरह अगर अपर सम को लें तो ये रिफाइनमेंट पे कैसे होता है हमारे पास, ये भी हमने देखा हुआ है, और यानी कि ये रिजल्ट प्रूव किया है, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा इसके, ठीक है। इनके प्रूफ भी होते हैं, ये जो रिजल्ट मैं लिखवाता है या यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके प्रूफ भी होते हैं, या आने वाले लेक्चर्स में आएंगे, या इनके प्रूफ इसलिए नहीं करवाए गए क्योंकि फिर बंदा ज़्यादा डिटेल में चला जाता है, हालांकि चीज़ें डिटेल से करनी चाहिए, लेकिन जो अपने कोर्स के रिलेटेड और जितना कुछ रिलेटेड है वगैरह, हम सिर्फ रीमन स्टेजेस को पकड़ लेना, तो उसकी डिटेल ही ख़त्म ना हो, पूरा साल भी पढ़ते नहीं, डिटेल ख़त्म ना हो, ठीक है, यानी कि इतनी ज़्यादा चीज़ों की डिटेल होती है, तो हमने नॉर्मल हद तक रहना होता है। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट लिखे होंगे, या तो आने वाले लेक्चर्स में हम उनका प्रूफ देखेंगे अगर लिखवाया हुआ, अगर नहीं उनका प्रूफ है तो इसका मतलब है फिर वो अपने सिलेबस के रिलेटेड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, या आगे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यूज़ होना होगा, इनका थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि बाज़ बुक्स में जैसे आपको पता है ना कि अगर आप सेकेंड ईयर की बुक उठा लें तो वहाँ पे एक चेन रूल हमने पढ़ा था, तो उस चेन रूल के नीचे भी लिखा हुआ था कि दिस प्रूफ जो है इस बुक से दूर रखा गया है क्योंकि ये 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, बिल्कुल इसी तरह कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं, ठीक है। या सिलेबस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं होगा, या हमारे स्कोप से बढ़कर होगा वगैरह, अगर कोई चीज़ है तो उसका प्रूफ हम आने वाले लेक्चर्स में देख लेते हैं, ठीक है, तीन ही पॉसिबल केस है। अब ये वाली चीज़ आ गई, और यहाँ पर जो म्यू यूज़ हो रहा है, के क्या है, के यानी कॉन्स्टेंट होगा, के क्या है विच इज़ बाउंडेड अबव, यानी कि जिस पे बाउंड है ये वाली चीज़, और क्यू क्या है पी स्टार, यानी कि डिफाइनमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि पी पी वाले पॉइंट से ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे म्यू क्या है, नीचे म्यू भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे म्यू आएगा शायद, तो ये म्यू क्या है, मैश है, ठीक है, मैश नॉम पढ़ के आए थे ना, जिसको पी डबल इस तरह जाहिर करते हैं, तो इसको म्यू से भी जाहिर किया जाता है, इसे म्यू भी लिखा जाता है, म्यू ऑफ पी भी लिखा जाता है, तो ये लिखा हुआ है, ये क्या है, मैश या नॉम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डारबक्स थ्योरम, ठीक है, तो बाकी नोट से देख लेते हैं, हमारा कुछ रहता तो नहीं है, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं ये वाला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, और नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आएगा डारबक्स थ्योरम, स्टैंड एंड प्रूव डार्क, तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी, अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।